समाजवादी मैनिफेस्टो के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, वो मैं समझता हूँ कि आज एक ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं अभी जिसके बारे में जाने अनजाने भी चर्चा हो रही है। अभी समाजवाद को बचाना है और समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना है, उसके लिए जो सही पार्टियों के लिए एक मैनिफेस्टो तैयार की जा रही है, इस मैनिफेस्टो का मूल उद्देश्य क्या है? इंसानियत और मानवता बरकरार हो, सामंतवाद समाप्त हो, व्यक्तिवाद समाप्त हो। लेकिन आज देश में जो वातावरण बना है, कोई संविधान बचेगा तब ना कुछ होगा। अब तो न संविधान बचेगा, न संविधान की चर्चा करने वाले कोई अगर समाजवादी होंगे वो बचेंगे, जो हालात हुआ है। और इतना तेजी से देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला किया जा रहा है, इतना तेजी से सांप्रदायिक भावना को फैलाने के लिए चर्चा की जा रही है, पूरा मीडिया साफ हो गया, सच बात झूठ नजर आता और झूठ बात सच नजर आता। मैं तो कहूंगा कि अब आजादी के बाद अब तक जो भी सरकार बनी, ये 4 साल की सरकार से ज्यादा भ्रष्टतम सरकार कोई नहीं रही इस देश में। पहली बार इस तरह की सरकार बनी है। सीधे अब देख लीजिए, मैं नहीं जा रहा उसमें जाना चाहता हूं, चूंकि मैं समझता हूं कि हमारे संचालक के पास समय का काफी कमी है। लेकिन जो भी घटना घटी कल कर्नाटक में, वो केवल कर्नाटक में नहीं घटी है, मेघालय गोवा मणिपुर में केवल नहीं घटी है, वो पूरे देश में घट रही है। क्या हो रहा है? एक तरफ पूरा देश कंगाल हो गया, और यहाँ के जो कॉर्पोरेट घराना है वो मालामाल हो गया, और कितना खूबसूरती के साथ देश का अगुआ प्रधान सेवक कहता है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार को जितना ये बढ़ावा दे रहे हैं उतना ज्यादा बढ़ावा आज तक किसी ने नहीं दिया। नोटबंदी क्यों किया? इससे किसको फायदा हुआ? अरुण जी बता रहे थे, और भी एक दो लोगों ने कहा है, ये भ्रष्टाचार बैंक का जो नोटबंदी हुआ, ये मात्र 8-10 घरों को शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया, और उससे मालामाल कितना हो गया जो सरकार का इस देश की। हम बिहार से आते हैं, थोड़ा बिहार का एक बार केवल लाइन बोलेंगे। बिहार में 900 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, लालू परिवार को पूरा परेशान किया जा रहा था, और 850 करोड़ का ये 4 साल में ये अपना ऑफिस दिल्ली में बनाने का काम किया भाजपा की सरकार, और भी देशों में सब जगह वह अपनी संपत्ति को बनाया। जो भ्रष्टाचार के बारे में बोलेगा, जो यहाँ अमित शाह के परिवार के बारे में बोला, उसको न्यायपालिका से प्रतिबंधित करा कि नहीं बोल सकते, बोलने पर भी जुबान पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों पिछड़ों के हक को जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया, उसको छीना जा रहा है। दूसरी ओर जो समाजवादी लोग हैं, जो थोड़ी बहुत आवाज उठाने वाले लोग हैं, उनको तरह तरह के केसों में भी फंसाया जा रहा है, और कहीं नक्सलवादी कहा जा रहा है तो कहीं देशद्रोही कहा जा रहा है। और ये कहने वाले कौन लोग हैं जो आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं राष्ट्रपति का? ये वही लोग राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं जो लोग कभी नागपुर में तिरंगा झंडा लहराने का काम नहीं किया, वो आज राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। JNU को कमजोर करने की चेष्टा की गई, अब जिन्ना और गांधी के फोटो के नाम पर किया जा रहा है, केवल एक उद्देश्य है, अभी कुछ नहीं कर सकते। सुनील साहब उठ रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक बात केवल कहना चाहता हूं कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं थी, चाहे वो संसद हो, विधानमंडल हो,
अक्षर मरा गए हैं और संविधान नाम की कोई चीज आज के तारीख में नहीं रह गए हैं, वो केवल एक सत्ता की ओर देख रहा है। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि बचाना हो तो संविधान को बचाने का भी एक उपाय करना होगा, और आज के तारीख में सबको मिल करके अगर ये सरकार रहेगी 2019 में अगर आ गई तो संविधान ये नहीं रहेगा, संविधान एक नया बन करके आएगा नागपुर से, नागपुर से जिसमें इंसानियत नहीं रहेगा, मानवता नहीं रहेगा और न कोई किसी का हक और अधिकार रहेगा। एक बार सीधे जाते हैं दिल्ली से प्रधानमंत्री, कर्नाटक से उठ के जाते हैं जनकपुर धाम का, मुक्ति धाम का उद्घाटन करते हैं। केवल जनकपुर धाम का उद्घाटन होगा, अयोध्या मंदिर बनेगी और जो बोलेगा जो यहाँ कुछ अल्पसंख्यक को डराया जाएगा कि तुम लंबे हाथ चलेगा, घर वापसी का आंदोलन चलेगा, और कोई अगर 1 किलोमीटर लेके जाएगा तो उसको लिंचिंग के नाम में उसकी पिटाई होगी, हत्या होगी। ये एक आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि सही बातों से ध्यान हटा देना है, रोजी रोटी की बात नहीं होगी जो समाजवादी लोग कर रहे हैं, आवास की बात नहीं होगी, चिकित्सा और शिक्षा की बात नहीं होगी, बात होगी केवल भावनात्मक मुद्दों को। तो अब तो केवल बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, केवल मुक्ति धाम और जनकपुर धाम से, और मिलेगा अयोध्या में मंदिर बनने से। भले गोरखपुर में दर्जनों लोग मर जाए बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए यहां से एक शपथ लेके जाना होगा, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है तो संविधान को बचाना होगा। और हम सब लोगों को मिलकर के पहले जो दिल्ली में सांप्रदायिक ताकत वाली सरकार बनी है उसको उखाड़ने का फैसला लेना होगा। इसके बाद के साथ मैं आयुष को और सुनील जी को सब लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आप अपने उत्साह से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते रहिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। और पाटिल जी ने कहा मनुवाद और मणिवाद, मनुवाद और मणिवाद जब समाप्त होगा तभी यह सब आएगा। धन्यवाद।